मैं भी 12th के बाद कोचिंग लेना चाहता था, जैसे आप ड्रॉप करना चाहते हैं मैं भी करना चाहता था। ये बात मैंने कभी एडमिट नहीं करी है, बट मैं आज एडमिट करता हूँ, ठीक है। मेरा भी मन था मैं कोचिंग लूँ। तो आपको आज मैं अप्लाई कर बताना चाहता हूँ एक ऐसी चीज के बारे में, हर एक जनरेशन के अलग चैलेंजेस होते हैं। मेरी जनरेशन के चैलेंजेस पता क्या थे? मैं भी 12th के बाद कोचिंग लेना चाहता था, जैसे आप ड्रॉप करना चाहते हैं मैं भी करना चाहता था। ये बात मैंने कभी एडमिट नहीं करी है, बट मैं आज एडमिट करता हूँ, ठीक है। मेरा भी मन था मैं कोचिंग लूँ, ठीक है। एंड दिल्ली से बिलोंग करता हूँ मैं, तो दिल्ली में उस समय 2-3 बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स थे, ठीक है। दो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट थे उस समय, आज तो शायद 10 इंस्टीट्यूट हैं दिल्ली में, उस समय 2 थे। I'm using a word which is harsh to use it for myself, but a fact remains a fact. उस जनरेशन की चैलेंज था पैसा, है ना। मतलब कि मैंने किसी अपने दोस्त से पूछा, एक इंस्टीट्यूट का मैंने नाम लिया, मैंने कहा यार वहां पर कोचिंग होती है ना? कह रहा हाँ कोचिंग होती है। मैंने कहा कितने पैसे वहां पर एक साल के ड्रॉप ईयर के लिए जाते हैं? जितने उसने मुझे पैसे बताए थे ना, ठीक है मैं बता भी देता हूँ कितने पैसे बताए थे। उस समय कोचिंग का अप्रॉक्सीमेट रेट था, स्कॉलरशिप वगैरह डाल के हटा के, मतलब स्कॉलरशिप के पैसे के बाद, लगभग 30,000 रुपये, 30,000 रुपीज। आई एम यूजिंग ए वर्ड विच इज हार्श टू यूज इट फॉर माई सेल्फ, बट फैक्ट ये है मेरी 30,000 रुपये पे करने की औकात ही नहीं थी, है ना। आप समझ रहे, आई एम यूजिंग ए वेरी हार्श वर्ड फॉर माई सेल्फ, अपने लिए यूज कर रहा हूँ, आपके लिए यूज नहीं कर रहा हूँ। तो औकात ही नहीं थी, मैं कभी उस कोचिंग में जिसे बोलते हैं इंक्वायरी करने भी नहीं गया, बस अपने दोस्त से पूछा था, उसने बताया था 30-35 हज़ार रुपये लगते हैं, ठीक है। मैं कभी गया नहीं, क्योंकि मुझे पता है 30-35 हज़ार रुपये मैं खर्च नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता यार खर्च। अपनी इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि हम अपने पापा को जाके कहते कि भैया पापा ड्रॉप करना है, 30,000 रुपये जो है वो चाहिए, ठीक है। इतनी हिम्मत नहीं थी, मुझे पता था उसके बाद क्या क्या सुनने को मिलेगा। I'm feeling sad about it, but that's how the life is. वो मेरी life के, वो मेरी generation के challenges थे। मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ एक बहुत बड़ा challenge है आपके सामने, बहुत बड़ा challenge आपके सामने। जैसे मेरे लिए वो जितनी बड़ी problem थी, मैं आज दशकों बाद भी उस problem को याद रखता हूँ, आप भी इस problem को याद रखेंगे अगर आपने overcome नहीं किया इस problem को। तो इस problem का नाम है This is मोबाइल का एडिक्शन। चाहे अब वो यूट्यूब की रील्स हो या इंस्टाग्राम की रील्स हो या शॉर्ट्स हो, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं इसे, ठीक है। चाहे वो ट्विटर हो, चाहे कुछ बुरी आदतें हो जिनके बारे में आप सबको पता है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है। सर आप तो ऑनलाइन पढ़ाते हो, सर आपके तो मोबाइल के थ्रू ही हम लेक्चर देख रहे हैं, आप ऐसी बातें कैसे बोल सकते हो? बोल सकता हूं भाई, राइट है मेरा, ठीक है, मेरा राइट है यार, आपका अपना राइट है, मेरा अपना राइट है, दोनों ही हम जगह, दोनों ही इस बातें सही है, ठीक है। मुझे लगता है क्लास ओवर होने के बाद, जैसे ही क्लास खत्म हुई आपकी सारी, ऑल क्लासेस ओवर हो गई, अगर आपने कोई डीपीपी वगैरह सॉल्व करना है, उसके बाद जब भी आप रिवीजन करें या कोई प्रैक्टिस करें जिसमें मोबाइल रिक्वायर्ड नहीं है, यह मोबाइल आपके पास होना ही नहीं चाहिए। नो मोबाइल होना ही नहीं चाहिए आपके पास। इट शुड बी कैप्ट अवे, इट शुड बी कैप्ट अवे। आपके पेरेंट्स होना का, ये होना कहां पे चाहिए? ये होना चाहिए आपके पेरेंट्स के पास। क्लास के टाइम मोबाइल आपके पास है, क्लास खत्म हुई, आपने नोट्स अपने कंप्लीट किए, डीपीपी सॉल्व किया, उसके बाद रिवीजन करते टाइम मोबाइल का कोई काम नहीं है। आपका मोबाइल आपके मम्मी या आपके रूम में भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी नो मोबाइल इन योर रूम। नो मोबाइल मीन्स नो मोबाइल। हर कोई इस प्रॉब्लम से ग्रस्त है, कोई माने या ना माने, माने ना माने, वो आप माने या ना माने, मैं मानू या ना मानू, ये फैक्ट है। मैं भी कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम से, बस ये फैक्ट है कि मैं आपके सामने एडमिट कर रहा हूं। हो सकता है कुछ लोग आपके सामने एडमिट ना करें, मुझे भी ये प्रॉब्लम है। पता नहीं मेरा मोबाइल यहां पर राइट नाउ नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे शायद, तो फोकस मोड ऑन है इसमें राइट नाउ, ठीक है। और ये फोकस मोड ऑन ही रहता है, हाँ लालच बुरी बला है, मैं भी शायद 10-15 मिनट के लिए बीच में ये फोकस मोड को हटा देता हूँ, बीच बीच में, दिन के बीच में, ठीक है। और ऑब्वियसली मैं भी यूज़ करता हूँ मोबाइल को, बट आप चाहें तो आप अपने मोबाइल में फोकस मोड ऑन कर लें, ये बहुत हेल्प करेगा आपकी।
जितनी भी डिस्ट्रैक्टिंग ऐप्स होती हैं वो सारी की सारी बंद हो जाती हैं, यूज करने को भी मिलता है तो सिर्फ 5 मिनट के लिए यूज करने को मिलता है। मैं 5 मिनट उसे देखता हूं, वो दिखाता है यूज ऐप फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट्स बाद ऐप अपने आप बंद हो जाती है। नहीं तो फोकस मोड नहीं लगा होगा तो हो सकता है घंटों आप अपने मोबाइल को यूज करते रहे। सेकेंड, ये भी मैं करता हूं, मैं कुछ अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कुछ ऐप्स भी यूज करता हूं। जैसे मैं फ्लिप यूज करता हूं, फ्लिप एक ऐप का नाम है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसी हजारों ऐप्स होंगी, आप किसी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं फ्लिप को यूज करता हूं, एक और ऐप है जिसको यूज करता हूं, मैं फॉरेस्ट को यूज करता हूं। फॉरेस्ट में क्या होता है, मैं उसको 20-25 मिनट के लिए लगा देता हूं, ठीक है, और 25 मिनट तक उसमें वो ट्री सा बनता रहता है, ठीक है, यानी कि 25 मिनट तक मैं मोबाइल पे अपने कोई काम नहीं कर सकता। तो 25 मिनट मोबाइल मुझसे दूर हो गया, मैं जो भी काम करूंगा प्रोडक्टिव ही करूंगा। नहीं तो आप फ्लिप भी यूज कर सकते हैं। ऐसी ऐप्स आप यूज करिए। एंड सबसे बढ़िया तो ये है यार, सबसे बढ़िया तो ये, इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, गिव इट टू योर पेरेंट्स, गिव इट टू योर पेरेंट्स। मैं अगर आप सोच रहे होंगे नहीं सर मैं तो डिजिटल डिटॉक्स ऐप है फोकस यूज करते हैं, बहुत बढ़िया जी, ठीक है। जेन मोड, ये क्या होता है मुझे पता नहीं है, मैं यूज करूंगा, किताबें तो पढ़ी है मैंने जेन के ऊपर, बट आई थिंक उसी से रिलेटेड होगा ये जेन मोड। फॉरेस्ट यूज करते हैं, बहुत शानदार, ठीक है।